वो हिटलर से बड़ा तानाशाह था। वो खूंखार तानाशाह जो भारतीयों से नफरत करता था। वो तानाशाह जो लाशों के साथ एकांत रहने का शौक रखता था। वो विश्व के इतिहास का सबसे क्रूर और निर्दयी तानाशाह था। वो ऐसा शासक था जो आदमखोर भी था। इदी अमीन युगांडा का तानाशाह, जिसे सबसे क्रूर और निर्दयी तानाशाहों में से एक माना जाता है। उसकी क्रूरता के किस्से सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। वो न केवल अपने दुश्मनों को जान से मरवा देता था, बल्कि उनकी लाशों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार भी किया करता था। यही नहीं, उस पर आदमियों का गोश्त खाने के भी आरोप लगे। उसे इंसानियत का दुश्मन, राक्षस और हैवान, ना जाने क्या क्या कहा गया। कहा जाता है कि युगांडा पर करीब 8 साल उसके शासन के दौरान उसने लाखों लोगों को मरवा दिया। हालात यह थे कि इदी अमीन की हुकूमत खत्म होने के बाद युगांडा में कई जगहों पर लाशें सड़ती देखी गईं। तमाम सामूहिक कब्र भी मिली, जहां लोगों को मारकर एक साथ दफना दिया गया था। इदी अमीन एशियाई मूल के लोगों, खासकर भारतीयों से नफरत करता था, क्योंकि साल 1971 से पहले तक युगांडा में एशियाई लोगों का दबदबा हुआ करता था। यहाँ के तमाम कारोबार में एशियाई शामिल थे। स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सिनेमा घरों में हिंदी फिल्में चला करती थी। तमाम सड़कों के नाम भी एशियाई मूल के लोगों के नाम पर ही थे। लेकिन साल 1971 में इदी अमीन द्वारा सेना की मदद से तख्ता पलट के बाद यहाँ के हालात एकदम से बदल गए। अल्लाह ने उससे कहा है कि वो सारे एशियाइयों को युगांडा से फौरन बाहर निकाल दे, इसलिए सभी एशियाई मूल के लोग देश से बाहर चले जाएं। उसने युगांडा में रह रहे 80,000 से ज्यादा एशियाई लोगों पर शोषण का आरोप लगाते हुए 90 दिन के अंदर देश को छोड़कर जाने का आदेश जारी किया। इन लोगों की संपत्तियां जब्त कर ली गईं। एक अनुमान के मुताबिक युगांडा की करीब 20% संपत्ति इन्हीं लोगों के पास थी। इन लोगों को 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेज युगांडा ले गए थे। 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा ब्रिटेन की दास्ता से मुक्त हो गया था। आजादी के बाद मिल्टन ओबोटे युगांडा के पहले प्रधानमंत्री बने। 4 साल बाद ओबोटे ने मौजूदा राष्ट्रपति को पद से हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। ओबोटे अपने जनरल इदी अमीन के बल पर अपनी तानाशाही सत्ता चला रहे थे, जो एक बेहद कम पढ़ा लिखा आदमी था और ब्रिटिश सेना में रसोइये के रूप में शामिल हुआ था। उसने सेना में तेजी से तरक्की की और साल 1966 में ओबोटे ने उसे सेनाध्यक्ष बना दिया। यह वह दौर था जब युगांडा भ्रष्टाचार और अराजकता से जकड़ा हुआ था। साल 1971 में ओबोटे राष्ट्रमंडल की बैठक में शामिल होने सिंगापुर गए, तो इदी अमीन ने मौके का फायदा उठाया और तख्ता पलट कर सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया, जिसका न केवल युगांडा की जनता ने बल्कि पश्चिमी देशों ने भी स्वागत किया। इस तख्ता पलट को लीबिया के गद्दाफी, सोवियत संघ और पूर्वी जर्मनी का समर्थन प्राप्त था। ब्रिटेन ने तो सबसे पहले इदी अमीन की सरकार को मान्यता दी और उसका बकिंघम पैलेस में स्वागत किया गया। वहीं तमाम अफ्रीकी देश इस तख्ता पलट से नाराज थे। युगांडा का पड़ोसी देश तंजानिया भी इसी बात से नाराज था। उसने तो अपदस्थ राष्ट्रपति ओबोटे को राजनीतिक शरण भी दी। जल्द ही इदी अमीन ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने सेना की मदद से आम लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि जब उसने एशियाई मूल के लोगों को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया, तो अफ्रीकी समुदाय के लोगों ने इसकी खुशी मनाई थी। इदी अमीन ने लांगो और अछोली समुदाय के करीब 5 लाख लोगों की हत्या करवा दी थी। वह फांसी देने, गोली मारने का आदेश देने के साथ साथ लोगों को जिंदा जमीन में गड़वा देता था, या फिर भूखे मगरमच्छों के सामने फिकवा देता था। इदी अमीन के शासन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री हेनेरी केएम्बा ने अपनी किताब अ स्टेट ऑफ ब्लड द इनसाइड स्टोरी ऑफ इदी अमीन में उसकी क्रूरता की कहानियां लिखी है, जिसमें वो लिखते हैं कि उन दिनों युगांडा के मुर्दा घरों में रखे शवों के कई अंग गायब मिलते थे। साल 1974 के जून महीने में एक अधिकारी को गोली मारकर उसकी आंखें निकलवा ली गईं और उसकी लाश जंगलों में फेंकवा दी गई। केएम्बा दावा करते हैं कि कई बार इदी अमीन ने मारे गए लोगों के शवों के साथ अकेले वक्त बिताने की इच्छा जताई। मार्च 1974 में कार्यवाहक सेना अध्यक्ष की हत्या के बाद इदी अमीन उसकी लाश देखने अस्पताल तक गया और वहां उसने अपने अधिकारियों से उसे शव के साथ अकेला छोड़ देने को कहा। हालांकि किसी ने यह तो नहीं देखा कि इदी अमीन ने लाश के साथ क्या किया, लेकिन तमाम लोगों का कहना है कि उसने उस शव से खून पिया, क्योंकि अमीन काकवा जनजाति से था जिसमें दुश्मन का खून पीने की प्रथा थी। उसके बारे में दावा किया जाता है कि वो आदमखोर था, यानी वह इंसानों का मांस खाने का शौकीन था। वह खुद दावा करता है कि उसने इंसानों का मांस खाया है और इंसानों का गोश्त तेंदुए के गोश्त से ज्यादा नमकीन होता है।
अमीन के एक पुराने नौकर का दावा है कि अमीन का एक कमरा हमेशा बंद रहता था, जिसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अमीन की पांचवी पत्नी उस बंद कमरे के बारे में जानने के लिए व्याकुल थी। उसने उस नौकर से उस कमरे की चाबी देने को कहा। नौकर के मना करने पर उसे पैसे देकर उसने चाबी ले ली। अमीन के इस बंद कमरे के अंदर उसे दो फ्रिज मिले। जब उसने एक फ्रिज खोल कर देखा तो उसमें उसके ही एक पूर्व प्रेमी का कटा हुआ सिर रखा था। यह देखते ही अमीन की पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी तरह इदी अमीन ने कई महिलाओं के कई प्रेमियों को मरवा दिया था। उसके कई महिलाओं से संबंध रहे। उसकी पांच पत्नियां और 30 से ज्यादा बच्चे थे, फिर भी वह और शादियां करना चाहता था। इदी अमीन ने अपने जीवन के अंत में वही काटा जो उसने खुद बो रखा था। अपनी सनक के शिकार अमीन ने 1978 में तंजानिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और तंजानिया के कगेरा पर कब्जा कर लिया। लेकिन तंजानिया ने इसका करारा जवाब दिया। साल 1979 में तंजानिया की सेना और युगांडा से निर्वासित नागरिकों की फौज ने जवाबी हमला किया। इस बार अमीन को लीबिया के गद्दाफी की मदद भी काम नहीं आई। तंजानिया की सेना ने युगांडा की राजधानी कंपाला पर कब्जा कर लिया। इदी अमीन को जान बचाकर यहां से लीबिया भागना पड़ा। लीबिया के बाद वह सऊदी अरब पहुंचा, जहां उसे राजकीय अतिथि बनाकर शरण दी गई। यहां जेद्दा में वह 24 साल रहा। इस दौरान वह किडनी की बीमारी से पीड़ित हो गया, जिससे अगस्त 2003 में 78 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। लेकिन इन सब के बाद भी उसे अपने किए पर कभी कोई पछतावा नहीं रहा। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि क्या उसे अपने किए गए कुकर्मों पर कोई अफसोस है, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि वह उन सुखद यादों से आनंद उठाता है और उस चीज को मिस भी करता है।